और ठंड में हम लोग बर्फबारी में शूट कर रहे होते हैं, और जो जो हालतों में भूखे पेट, अक्सर तो ये भी होता है कि ब्रेक ही नहीं हुई, खाना नहीं मिल रहा, कहीं ऐसी जगह पे पहुंचे हुए जहाँ पे वॉशरूम नहीं है, चीजें नहीं है, और ये काम बड़ा डिफिकल्ट है। शहरों में स्पेशली जब हम जाके सूखा टाइप काम करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। जो आप देखते हैं वो उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, सबको लगता है कि तो बड़ा ईजी मन नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बहुत बहुत। जैसे हम नाजिया करने गए तो नाजिया में इतनी मेहनत नहीं थी, लेकिन नाजिया में हमने इंजॉय बहुत किया था क्योंकि मॉरिशस में हो रहा था, पहली दफ़ा गए थे। अच्छा, और लेकिन आप सोचें कि 30 डेज आप अपने घर से दूर हैं, आप सिवाय फोन के आप किसी तरह इन टच। और देखिए काम कैसा है हमारा कि हम भी तो अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, जब एक ब्रेक लेनी है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदाज में। अरे वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप ब्रेक पर जाइए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं, नूर और जुबिया आपका इंतज़ार कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। जनाब वेलकम बैक, जवेरिया बासी हमारे साथ हैं, और मैंने जैसे पहली ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहा था इनसे भी सवाल करते हैं। आज हमारा सवाल ये है कि मोहब्बत में एक दफ़ा जब आपका दिल दुख जाता है या दिल टूट जाता है, उसके बाद क्या दोबारा मोहब्बत होती है धोखा खाने के बाद? जवेरिया आपको आप बताएं कि मोहब्बत एक बार होती है या बार? ये ऐसा होता है कि अगर तीर जा रहा हो ना तो आप खुद उसके आगे आ जाए, हेलो मैं यहाँ हूँ प्लीज। नहीं नहीं, हो जाती है लेकिन नहीं हो जाती है। लेकिन अगर कोई दिल जैसे आपको दुखाया किसने या धोखा दिया उसके बाद हो जाती है? हाँ, जैसे कर देते हैं ना किसी और पे, आप फिर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट टूटता है, एंड देन यू नो कितने आपके दोस्त होते हैं जो आपका ट्रस्ट तोड़ देते हैं, कितने करीबी लोग होते हैं, टूट जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फिर आप दोबारा किसी पे नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, फिर आप दोस्ती करते हैं, फिर आप दोबारा एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। बच्चों के साथ होता है, फैमिलीज में होता है, बहन भाइयों में होता है, दोस्तों में हो जाता है, दोस्तों में सब में हो जाता है कि धोखा। तो आई थिंक वो ये वही चीज़ होती है कि दोबारा हो जाता है, और सब एक जैसे भी नहीं होते ना, हर इंसान नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ये भी होता है बहुत सक। जैसे कितनी बार मोहब्बत होती है ये कैसे बता दो? लेकिन फर्स्ट पहली मोहब्बत, बचपन की मोहब्बत कहते हैं ना, आप पहली मोहब्बत नहीं भूल सकते, हाउ ट्रू इज़ दैट? यार पता नहीं, इन माई केस आई हैव माई डॉटर विद मी, सो मैं, मुझे लगता है कि वो एक चीज़ है जो नहीं, हाँ, ख़त्म नहीं हो सकती। ऑब्वियसली रिलेशनशिप ऐसा है वो, और फिर बहुत लंबा स्पेन होता है, आप उसको बहुत टाइम गुजारते हैं, तो वो जाहिर है वो उसको औरत के लिए बड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, नंबर सेंसिटिव होता है। मगर आई बिलीव के निकल जाना चाहिए, यू नो, अपने ऊपर तारी करके जो हम एक ड्रामा बूढ़ा बन के हम बैठ जाते हैं, आई डोंट लाइक रो के रो करके, तो वो एरा ख़त्म हो गया। अब यू नो आपको अब चलना होता है, बहुत लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं हैं, बट सीरियसली बहुत अमेरिकनाइज हो गए हैं अब, स्पेशली कराची में रहने वाले लोग, हाँ बहुत ज़्यादा बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, उनकी लाइफ चल रही होती। कौन? अच्छा, सुना है कि आपको हॉरर और थ्रिलर इस तरह की स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है। पढ़ना भी और मूवीज़ भी। डर नहीं लगता? नहीं, लेकिन मज़ा आता है। कौन सी फेवरेट मूवी है जो हॉरर? यार मेरी तो बहुत सारी है, अदर्स मुझे बहुत पसंद है, ओमन की मैंने सारी, बड़ी स्कैरी मूवी है, तौबा मैं नहीं देख सकती, अकेले बैठ लेती हूँ वैसे, अकेले तो नहीं देख सकती लेकिन शौक बहुत है तो इसलिए मैं अपनी दोस्तों से को जमा कर। लेकिन ये होता भी है ना कि जब आप हॉरर मूवी देखते हैं बाद में डरने का बड़ा मजा आता है। मुझे तो उस वक्त जो वो एक चीज बिल्ट हो रही थी, रिंग जब याद है, पहला हमने जब पार्ट देखा था सिनेमा में बैठे हुए थे, तो जैसे ही वो फिल्म चल रही है ना, कुछ सिनेमा में पीछे किसी ने खांसा ना, कोई सबने मुड़ के देखा कि ये कौन है भाई, क्यों किया? नहीं, मैंने ना शिकागो में अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ स्केरी 2 आई थी, वो इतनी फनी थी ना कि हमने कहा नहीं यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हंस खेल के हम बाहर आ गए, अगले दिन सबने कहा वो टेक्सास चेन्सो मैसेकर्स आई है तो वो सब देखने जाएंगे। तो मैंने कहा सही है चलो, यकीन करो उसमें हम लोग इतना ऊंचा ऊंचा उछले सीटों में से और चीखे मारे थे, वो सो मच फन। और फिर कजन्स के साथ, फैमिली के साथ वो बड़ा एक वो अच्छी मज़ा बहुत आता है। और इंडियन फिल्में देखती हैं? बहुत शौक से पाकिस्तानी फिल्म। हाँ, आपकी भी मैंने देखी 2-4 आपके लंबे लंबे बाल। कौन से एरा की फिल्में ज़्यादा पसंद है? अगर अपने आप को देखेंगे, मैं फिल्म एक्ट्रेस होती तो कौन से एरा में काम करना पसंद? यार मैं पंजाबी फिल्मों में, या फिर वो पुराने सभ्य खाना, या मैं वो लटुल जी सुलझा जाने वाला टाइप, क्या आई रियली लाइक दैट। काश वो एरा दोबारा आता है, दोबारा आता वो कपड़े, वो एंड दैट ब्लैक एंड वाइट थी, और
उन्होंने एक फ्रेम में, बस इतना फ्रेम था और उसमें एक्टिंग करती थी, सब कुछ कह दिया, पूरा गाना पिक्चराइज हो गया उसी फ्रेम में. यू नो, आपको कुछ नहीं दिखाना, आपको कोई छोटे कपड़े नहीं पहनने, आपको कुछ नंगा पर नहीं करना. कितना अच्छा लगता है, एक ही शॉट चल रहा है, सटल और सुकून. और उसमें वो लेट भी उलझ गई और सुलझ भी गई और सब. कोई नहीं, हम अपने घर में फिल्में बनाएंगे जिसमें हम कर सकेंगे. एक कॉलर है हमारे साथ. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कौन बात कर रही है? मैं हिना बात कर रही हूँ, मुजफ्फराबाद. मुजफ्फराबाद से. क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ. नूरापी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. हमारे साथ जवेरिया बासी बैठी हैं, आप बात करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ठीक ठाक है. क्या कर रही थी सुबह सुबह उठिए? बस नूरापी का शो देख लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में. अच्छा, सर्दी अभी भी वैसी है वहाँ पे या कम हो गई है मुजफ्फराबाद में? बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ही ज्यादा. लास्ट टाइम भी आपने एक बार कॉल की थी तो आप बता रही थी बहुत ठंड है. हाँ जी, आपको याद है? बिल्कुल याद है ना, ऐसे कैसे हो सकता है. मेरे सब कॉलर मेरे दिल के बड़े करीब होते हैं, मैं बड़ा प्यार करती हूँ अपने. थोड़ी सी सर्दी भिजवा दें प्लीज, कराची में बहुत गर्म. तो आप थोड़ी सी गर्मी इधर भिजवा दें. काश वैसे ये हम भी कह सकते होते. अभी बस मुजफ्फराबाद जाना चाहिए, एक ट्रिप जरूर लगाना चाहिए वीकेंड पे. वही मैं अभी नूरापी आपको कहना चाह रही थी कि आप इतने शो करती हैं और ये ज्वेरिया अभी भी सीरियल करती हैं, तो कभी हमारे इधर मुजफ्फराबाद से आगे हम रहते हैं चकाल नाम है, इधर इतनी प्यारी प्यारी जगह है, झील है, आप इधर आके करें. जरूर की भी होंगी आई एम श्योर. हमने तो फिल्मों की शूटिंग्स काफी वहाँ पे की है, लेकिन जरूर इंशाल्लाह आएंगे. अच्छा, मैंने एक है ना आज सवाल ये पूछा कि मोहब्बत में एक दफा धोखा खाने के बाद क्या इंसान को दोबारा मोहब्बत हो सकती है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? दोबारा मोहब्बत हो तो सकती है, लेकिन पहली मोहब्बत जैसी नहीं हो सकती. आपकी पहली मोहब्बत नहीं भूली इसका मतलब है? हाँ, पहली मोहब्बत, बस मोहब्बत कभी की नहीं है. अचानक हुआ है कि पहली मोहब्बत, फिर एकदम समझ आए कि ये तो टेलीविजन पे आ रहा है. नहीं, मुझे तो इतना डर नहीं है कि मैं टेलीविजन पे आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ही कम टीवी देखते हैं. ये तो मुझे अभी अभी इजाजत मिली है, बीए क्लियर हुआ तो टीवी देखने की परमिशन. अच्छा, ओके, चलो सही है. बहुत कम लोग देखते हैं टीवी. तो लेकिन आपको लगता है कि पहली मोहब्बत नहीं भुला सकता इंसान? नहीं, पहली मोहब्बत कोई भी नहीं भुला सकता. चलें ठीक है, मुझे जायजा लगा लिया मैंने आपका. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखिए ना. अल्लाह हाफिज़. दैट्स सो स्वीट. पहली मोहब्बत जो कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत नहीं भुला सकते, इसका मतलब कि है एक पहली मोहब्बत. ऐसे ही होता है जैसे आप अपना पहला बचपन का दोस्त हो जाता है ना पहली मोहब्बत में. क्या हो जाता है? हेलो वही. अचानक नीचे गिर गया. मैं तो आज ये जुड़े के वैसे भी आदि ऐसे जा रही हूँ. अच्छा, ऐसे कभी हुआ है कि इफ़ यू मतलब बहुत किसी को देखा और एकदम से, लेकिन बाद में पता चला नहीं ऐसा सच कोई नहीं है? नहीं नहीं, अक्सर हुआ है ऐसा. लव एट फर्स्ट. शाहरुख खान को देख के ऐसे ही कुछ कुछ होता है. हाँ, मतलब नहीं, अक्सर हो जाता है, होता था. हुज़ योर फेवरेट हीरो? यार बहुत सारे हैं. किस किस का नाम बताऊँ? दो तीन. यार मैं तो अभी तक अमिताभ बच्चन एरा में रह रही हूँ ना, मैं तो वहाँ से बाहर ही नहीं आ रही हूँ. आई थिंक वो ही इज Amazing. मतलब आ ही नहीं कोई हीरो, आ ही नहीं सकता. आई थिंक क्या हाइट, क्या लुक और क्या आवाज. और उनके बेटे बिल्कुल वैसे नहीं है. लोगों को बहुत पसंद है लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे नहीं है. बट आई रियली लाइक शाहरुख खान एंड सलमान खान. सब मेरे खान आर द फेवरेट. एंड पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री में गोल्ड? टेलीविजन इंडस्ट्री में यार ये बड़े मजे की बात की, एज एन आर्टिस्ट अगर देखें तो फैसल कुरैशी बहुत अच्छे हैं और शहूद अलवी बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा काम करते हैं. रिहान शेख मुझे जब वो बहुत पतले और बहुत प्यारे होते थे तो वो मुझे बहुत पसंद थे. और इस तरह ये वाले लोग बहुत अच्छे हैं. और एज अ फ्रेंड अगर देखें तो फरहान अली आगा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अच्छा. और हुमायूं इज़ वेरी नाइस. सब ये इतने दोस्त हैं यार हम लोग ऑलमोस्ट बचपन से जवानी गुजार दी हमने. और यू नो इतना टाइम गुजार दिया, 10-15 साल बहुत होते हैं एक ही आप उसमें साथ. लेकिन और आप उनकी बुराई भी नहीं कर सकते. हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते. क्या क्या बातें, ज्यादा लोग प्रोड्यूसर्स हो गए. एक छोटा सा पैकेज है आपको दिखाते हैं जवेरिया की अदाकारी का और उस पर दिखाइए कहाँ चल गए. मेरा नाम सोनिया है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-9211-4258. अब तो डांस भी सीखना पड़ेगा.
फिल्म जो करेंगे। लड़के ऐसे 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 अपना दिल फेंक रहे थे, मगर मैं उन सबको अपनी जूती की नोक पे रखती हूँ। सारी उम्र का कौन कह रहा है, जलती हो तुम, जलती मेरी जूती। उसके बाप ने ना 1,30,000 रुपए दिया अब्बा को, कैसे मारती उसके मुंह पे डंडा। तुझे एक साल में काम नहीं मिला, चंद महीनों में क्या मिलेगा, खुद भी बुढ़ी हो जाएगी और मुझे भी बुढ़ा कर देगी अपने चक्कर में। अब तुझे क्या लेना देना उसके बुढ़ापे से। इन्हीं की वजह से ना मैं अभी तक अदाकारा नहीं बन सकी। मैं अभी तक अदाकारा नहीं बन सकी। सोचे सारे के सारे लड़के उनको जूती की नोक पे जॉब रखती हैं, वो ये बताएं कि हकीकत में भी रखती है। नहीं नहीं, मैं काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हूँ, इसकी वजह से बहुत मुझे प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, लोग गलत भी समझ जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है, आप किसी को देख के स्माइल भी करते तो कहता है वो लाइन मारी थी तो फंस गई। हाँ, फंस गई। कम हो गया लड़की हंसी से फंसी। अच्छा आपको पता है अभी फ्राइडे को बड़ी मज़ेदार हमारे साथ आई हुई थी डॉक्टर सईदा आई हुई थी हमारे साथ, तो हम लोगों ने सारी वो बात की कि लिचर जो छेड़ते हैं लोगों को ये वो ये। फिर जब मैं आज ट्रैवल कर रही थी ना इस दफ़ा, तो मुझे वो सारे कार्टून कैरेक्टर्स नज़र आ रहे थे सब बंदों में जो भी देख रहा था। कभी ऐसा इतफाक हुआ कि किसी ने तंग किया और या हाँ मैंने बाहर हो गया? बहुत मारा भी है एक लड़के। सीरियस? हाँ, संडे बाजार आपको पता है गढ़ है, सब जा रहे होते हैं वहाँ पे, तो मैं भी गई, तो बस उसने छेड़ दिया तो मैं पलटी और मैंने तेज धनाधन वहीं शुरू हो गई। मैंने इतना मारा कि मेरे अपने हाथों में दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने खूब मारा, बहुत पिटाई और मजा आया। फिर मेरे साथ मिलकर सबने मारा, अल्लाह बेचारा, बहुत मजा उसने है। उसके बाद जिंदगी में किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत जरूरत नहीं हुई होगी। ओह माय गॉड। इस नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मुझे लगता है जवेरिया का पारा चढ़ने वाला है। इनको थोड़ा ठंडा पिलाते हैं, आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।